सपोर्ट का क्या सीन है? सपोर्ट अभी भी अपने को WTP दिख रहा है, सपोर्ट WTP 9:30 से है, 12:30 हो चुके हैं, तीन घंटे ढाई से तीन घंटे पे फंसा है, न परसेंट बढ़ा ना घटा, तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या मतलब ये कि बाजार में तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एक बार फिर से सब लोग का मोस्ट वेलकम है अपने चैनल एकलव्य ट्रेडर्स पे। आज की इस वीडियो पे जनरली मैं आपको बताऊंगा कि LTP कैलकुलेटर के बेसिस में, इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल के बेसिस में, कहां पर दिन का पहला ट्रेड बना और क्या आज के बाजार में कोई ट्रेड बना भी या फिर आज के बाजार में कोई ट्रेड नहीं बना। प्रॉपर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो में सरप्राइज भी है। सरप्राइज मैं पहले बता देता हूँ, गणेश चतुर्थी के ओकेजन में मैंने क्या किया है, मैंने ऑफर लॉन्च किया है। ऑफर AOS टूल के लिए भी है और अपनी कम्युनिटी के लिए भी है जो कि LTP कैलकुलेटर लर्निंग कम्युनिटी है। चार्जेस सिंपल सा है, चार्जेस सिंपल, लाइफ टाइम ओपन कम्युनिटी मैंने कर दी है। पहले कौन सी प्लान थी, पहले मंथली थी, क्वार्टरली थी। मंथली प्लान 1500 की थी, आप लोग जानते हैं, क्वार्टरली प्लान 3000 की थी। बट अब उसी 3000 के प्लान में लाइफ टाइम कम्युनिटी मेंबरशिप ओपन है, तो जिन्हें भी मेरे साथ सीखना है प्रॉपर बेसिक टू एडवांस, तो तुरंत कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सामने ऐसा कुछ लिंक्स ओपन होगा एंड यू कैन पे हियर टू ज्वाइन लाइफ टाइम कम्युनिटी। ध्यान रखिएगा लिमिटेड टाइम की सेल है। AOS टूल की कम्युनिटी मैंने ओपन की है, AOS टूल में डायरेक्टली काफी बड़ा डिस्काउंट है। काफी बड़ा डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे AOS टूल में मंथली कम्युनिटी थी 1320 रुपए की, वो तो है, क्वार्टरली 4000 की थी। बट तो AOS टूल की कम्युनिटी मैंने कितने में कर दी, AOS टूल की कम्युनिटी 2500 है और ये ऐप चार्जेस होंगे 2750, ठीक है। तो ये जनरली AOS टूल की कम्युनिटी है, इस बात को ध्यान रखिए। जो भी बिजी पर्सन है, जो जॉब पर्सन है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं AOS टूल के साथ। कितने बेहतरीन से एक्यूरेसी है बताएं, जरूरत है ही नहीं, है ना। 7 मंथ बैक टेस्टेड डेटा, 90% एक्यूरेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, प्रॉपर समझते हैं आज के बाजार का एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे सामने LTP कैलकुलेटर ओपन है। LTP कैलकुलेटर में मैंने हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर दिया। हिस्टोरिकल डेटा में जब डेटा आया था LTP कैलकुलेटर में, तो क्या सीन देखने को मिला, 9:15 का खोलते हैं, 9:15 से हमें हमेशा प्ले करना है 9:15 बस फिल्टर। डेटा जैसी LTP कैलकुलेटर पे आया तो यहाँ पर हमको सीन क्या देखने को मिला, क्या सिनेरियो देखने को मिला। सपोर्ट अपने को देखने को मिला क्या, 25,300 पर, 25,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वॉल्यूम का केला। रेजिस्टेंस कैसा देखने को मिला, रेजिस्टेंस अपने को 25,300 का देखने को मिला। कैसा देखने को मिला, वीक टुवर्ड स्टॉप, OI भी वीक टुवर्ड स्टॉप, वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड स्टॉप। कहां से कहां तक, 25,300 से 25,400 तक। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये सिनेरियो सुबह सुबह आया। सेम स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेटा को मैंने और आगे प्ले किया, एटलीस्ट 920 डायरेक्टली प्ले करता हूं मैं, 920 फिल्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा, 920 जैसे हुए डेटा में फिर से कुछ चेंजेस आ गया। रेजिस्टेंस जो हमें वीक टुवर्ड स्टॉप दिख रहा था वो क्या दिख रहा है, प्रॉपर हो गया है स्ट्रॉन्ग। ये पूरा स्ट्रॉन्ग है 25,300 में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कैसे, वीक टुवर्ड स्टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ। अब हम सभी लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से, कि जब कभी भी वीक टुवर्ड स्टॉप का परसेंटेज घटेगा, घटता चला जाएगा, और अगर वो स्ट्रांग हो गया तो वो एक निगेटिव प्रेशर कहलाता है, क्योंकि वो जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कमजोर था वो मजबूती में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस की तरफ से निगेटिव प्रेशर बाजार में, रेजिस्टेंस की तरफ से कैसा प्रेशर, निगेटिव प्रेशर, मतलब नीचे की तरफ का दबाव। सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट 300 से 250 पर क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट क्या दिख रहा है अपने को, क्लियरली WTP दिख रहा है 300 से 250 तक। सपोर्ट WTP मतलब नीचे की तरफ का खिंचाव। तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है जनरली कि बाजार में नीचे की तरफ का प्रेशर है COA 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में। अगर अपने को टॉप मिलता है बाजार में तो हम ऐसे केस में पुट बाइंग करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, जो हम कर सकते हैं इस ऑप्शन चेन के बेसिस में निफ्टी में, वो हम कर देंगे, मतलब एक बेयरिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब बाजार में हमको मैजिकल लाइन खींचना है, बट मैजिकल लाइन 9:30 से पहले मैं नहीं खींचूंगा। 9:30 करिए, 9:30 ये फिल्टर। अब देखिएगा 9:30 हो गए, 9:30 में क्या सीन देखने को मिला, 9:30 में भी हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है 25,300। सपोर्ट को आप देखेंगे तो सपोर्ट अभी भी WTP दिख रहा है 300 से 250 तक। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTP मतलब टॉप से भी क्वाली। अब बाजार में टॉप कहां पर है, वेयर इज द टॉप, टॉप की बात करते हैं हम। तो टॉप यहां पर ये पहला टॉप EOR 25,320 आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। बॉटम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25,270 आ रहा है, ठीक। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस।
अब हम इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो प्रॉपर डिटेल्ड सीओए सीखे हैं, जिन्हें पता है ना, तो वो जानते होंगे कि बाजार में सपोर्ट डब्ल्यूटीबी है 300 से 250 तक। जहां तक सपोर्ट डब्ल्यूटीबी होता है, बाजार उसकी एक डायवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है, मतलब डब्ल्यूटीबी प्लस वन से रिवर्सल, मतलब बाजार का जो बॉटम है वो 300 का ही है, 300 का एक्सटेंशन इज द बॉटम करंट सिनेरियो के हिसाब से, 9:30 के सिनेरियो के हिसाब से यही बॉटम है 300 का एक्सटेंशन। आप देखेंगे जब मैं लाइव था आपके साथ यूट्यूब पे, तो मैंने क्या किया था ना, मैंने यहां पर प्रॉपर पहले तो मैंने क्या किया था, चार्ट पर चलते हैं, जब मैं लाइव था तो और ऊपर करिए, जब मैं लाइव था तो मैं आप लोग को क्या बताया था, मैंने आप लोग के लिए यहां पर सबसे पहले लाइन खींच दी थी। देखिए यहां पर 320 पे क्या खींचा था, ईओआर खींचा था, ईओएस मैंने खींच दिया था कहां पर, और नीचे करिए मैंने ईओएस खींच दिया था लगभग 270 में, जो 270 वैल्यू आ रही थी, मतलब यहां पर ये, यहां पर मैंने क्या कर दिया सर, 270 ये वैल्यू पे मैंने क्या किया, लाइन खींच दिया, 270 का ईओएस, 320 का ईओआर। बट हुआ क्या, क्या बाजार अपने को टॉप दिया, क्या बाजार ने अपने को टॉप दिया, क्या क्या ईओआर दिया, पुट बाइंग करने के लिए मौका वौका दिया क्या? देख लीजिए 320 में क्या आया बाजार पूरे दिन, क्या आया, नहीं आया, आया नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मार्केट ने अपने को कोई टॉप ऑफ नहीं दिया, क्या पुट बाई कर लीजिए, आप प्रॉफिट कर लीजिए, बिल्कुल कोई टॉप नहीं दिया। ऐसा करते 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 लगभग 12:30 बज गए, कितने बज गए, 12:30 बज गए। अब 12:30 बजे जब मैं लाइव में आप लोगों को बता रहा था, जब हमने उस टाइम पर लेवल्स देखे, चलिए एलटीपी कैलकुलेटर में चलते हैं सीधा 12:30 बजे, डेटा को सीधा 12:30 बजे प्ले करता हूं मैं, 12:30 ठीक है, प्ले फिल्टर बस। अब नीचे करिए फिर से, अब क्या सीन देखने को मिल रहा, हर एक पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बाजार में। देखिए अब क्या सीन देखने को मिला कि रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, बेहद स्ट्रांग है, नो डाउट। सपोर्ट का क्या सीन है, सपोर्ट का क्या सीन है, सपोर्ट अभी भी अपने को डब्ल्यूटीबी दिख रहा है, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी 9:30 से है, 12:30 हो चुके हैं, तीन घंटे ढाई से तीन घंटे पे फंसा है, न परसेंट बढ़ा ना घटा, तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या, मतलब ये कि बाजार में सपोर्ट साइड हो चुका है, क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सपोर्ट साइड ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुका है, तो क्या पुट बाई कर लें, जहां पे चल रहे यहीं से पुट बाई कर लें, ये मार्केट चल रहा है 254 पे, तो यहीं से पुट बाई कर लें, क्या फंस जाएंगे ना, नियम के हिसाब से सही नहीं है। हमें ऐसे केस में वी हैव टू ऑलवेज वेट फॉर ईओआर, ये ईओआर मिलेगा, ईओआर कितना आ रहा था भाई, 306, वैल्यू चेंज हो गई, पहले वैल्यू क्या रही थी, 320 आ रही थी, अब 306 आ गई, 15 पॉइंट 16 पॉइंट का डिफरेंस आ गया, 14 से 15 पॉइंट का डिफरेंस आया ना, तो वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है। मतलब अगर टॉप मिलेगा 306 तो मैं पुट बाई करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बाई करूंगा, जाने को कोई दिक्कत नहीं, नो ट्रेड, बट नियम हम नहीं तोड़ेंगे, जो अपना रूल्स कहता है, जो थ्योरीज बोलती है। बाजार के 12:30 बजे अपने को टॉप दिया, देखिए यहां पर ऐसे करते रहिए और आगे क्या, और बस क्या टॉप दिया, नहीं दिया, 265 में अटका रह गया, 265 के आसपास बाजार अटका रह गया, नहीं टॉप दिया, ठीक है। बाजार में 1:15 के आसपास, अब 1:15 का ओपन करते हैं, अभी देख लीजिए 1:15 की टाइमिंग, ये एक और ये 15 फिल्टर, 1:15 का यहां पर मैंने डेटा ओपन कर दिया। अब क्या दिख रहा है डेटा में, अभी भी आप देखिए डेटा को देखिए प्लीज, रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग है, नो डाउट, सपोर्ट अभी भी डब्ल्यूटीबी, पूरा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, तो क्या पुट यहीं से ले लूं जहां पे खड़ा है, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें हमेशा ईओआर का वेट करना है, विच इज 300। देखिए यहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 301 का, 25,301 की वैल्यू आ रही है, पहले 320 आ रही थी, बट अब जो अपडेटेड वैल्यू आ रही है वो 301 की आ रही है। क्या बाजार ने 301 का टॉप लगाया 1:15 में, देखिए यहां पर जहां मैंने ये देखिए ये राइट 1:15 पे बाजार अपनी वैल्यू पे आया 299 दो पॉइंट पहले, सोचिए तो बाजार डॉट टू डॉट अपने वैल्यू पे आया, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से टॉप पे था, हम जानते इस बात को अच्छी तरीके से, प्रीमियम इंडिकेटर का रेजिस्टेंस भी था, नो डाउट उसमें। बाजार 301 से गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, पहला डायवर्जन देखिए यहां पे क्लिक करिए, 250 अपना पहला डाइवर्जन है, यहां तक पहले बाजार टूट जाएगा, यहां तक का टारगेट है। क्या बाजार ने अपने को दिया टारगेट, देखिए 301 से गिरा है तो गिरा है सीधा 250 तक। सो ये एक डॉट टू डॉट ट्रेड था,
और इतना पेशेंस करने के बाद मिला, मतलब 3 से 4 घंटे का पेशेंस करने के बाद ये ट्रेड अपने को देखने को मिला। तो बाजार स्मार्ट हो रहा है, इसलिए बोलता हूं अगर अभी तक आपने अपनी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, अगर आपको मेरे साथ सीखना है बेसिक टोनांस एनटीपी कैलकुलेटर, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिना सीखे इस बाजार में ट्रेड ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ध्यान रखिएगा 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मिस मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, एंड कर दें इस वीडियो को।